तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन सबका मालिक एक, जब उसने हमें इस दुनिया में भेज दिया है तो कुछ ना कुछ इंतजाम भी कर ही देगा। साईं, साईं, ये आपके लिए। आप यहाँ कैसे सोते हैं? कष्ट नहीं होता आपको? धरती हमारी माँ है तात्या, जननी है हमारी, और माँ की गोद में सोने से बड़ा सुख कुछ हो सकता है क्या? वैसे ही सोता हूँ जैसे तुम सोते हो बायजा माँ की गोद में। कष्ट होता है क्या? नहीं। बायजा माँ नहीं आई? ठीक तो है वो? आई तो ठीक है, पर नहीं बता सकता, गुस्सा करेगी आई। खुशकिस्मत हो तुम, माँ अपना अधिकार समझती है इसीलिए गुस्सा करती है। वहां आई दुखी है, यहाँ साई दुखी है, क्या करूं बता दूं? वो मेरी आजी है ना, उनकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आजी आपसे बहुत गुस्सा है, पर आजी नहीं आए को कसम दी है वो आपसे कभी नहीं मिलेगी और बात भी नहीं करेगी, इसलिए आई आपसे बात नहीं कर रही है। पीढ़ियों से मुक्त सिर्फ जन्म और मृत्यु है, की पूरा जीवन बंदिशों में, इनकी गिरह खोलें तो कैसे? बड़े ही महीन से रिश्ते बंधे होते हैं इनमें, इनकी गिरह खोलो तो ये रिश्ते भी खुल के बिखर जाने का डर होता है। लेकिन लेकिन जिस रिश्ते में डर हो, क्या वो रिश्ता है? साई, जल्दी से खाना खा लो, आज जी मंदिर से घर पहुंचे उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। चलो सरकार। अरे ओ, आ गया फिर से सरकार। वर्षों का रोना फिर से रोएगा, मेरे खेत जला दिए, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। अरे ओ, आज मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, जितना चाहो कूटना इसे। सरकार, 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 अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, नहीं तो मैं आपके घर आता। क्यों? सरकार, मेरे मेरे कुएं का पानी, मेरी तपस्या सफल हो गई। पीकर देखिए कितना मीठा है। जल तेरे कुएं में कहां से आएगा जल? इस संदेह किसी और के कुएं से चुरा के लेके आया होगा तू। चल हट। अब बढ़ेगा इस पागल का पागलपन। यहां से निकाल। राम जी की जय। जीवाज पागलों जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहा है? स-
कद्दू भैया मेरे कुएं का पानी, कद्दू भैया मेरे कुएं का पानी बहुत मीठा है। मौसी मौसी मेरे मेरे कुएं का पानी। इस पागल को बाद में देख लूंगा, अभी चावड़ी जाकर थानेदार के सामने डकैतों से साई का सच उगलवाना है। उसके बाद अंग्रेज सरकार खुद ही साई को गिरफ्तार करके शिरडी से बाहर निकाल देगी। सरकार ये जीवा तो कुछ अजीब। छोड़ो उसे, चावड़ी चलो। हरिओम, चलो जल्दी चलो। चलो 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 हटे यहाँ से। ये देखो माँ, अब तो मुस्कुराओ ना। आगे से जब भी थाली भेजनी हो तो मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगा। तू ये कर रही है मेरे पीठ पीछे, वो भी तात्या की आड़ में। आने दे आज अप्पा को, वो तुझे साईं। लो आ गया ढोंगी। काशी राम पर किसने हमला किया, सीधे सीधे बताओ। सीधे से उत्तर देते हैं तो डाकू और सभ्य लोगों में क्या अंतर रह जाएगा थानेदार जी। आइए कुलकर्णी सरकार। अरे ये जो भी कुछ कहेंगे न जाने उसमें कितना सत्य होगा। ऐसा क्यों सरकार? उत्तर क्या मिलेगा यह निर्भर करता है प्रश्न पे, और आपका प्रश्न उचित नहीं है। यदि इनसे सत्य उगलवाना है तो प्रश्न मैं करूंगा। ठीक है। पूरी थाली खा के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, क्यों भिक्षा मांगने आ गए हो? एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बाजा माँ के दर्शन करने आया। माँ नहीं है वो तुम्हारी, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ है वो, तभी तो अपने बेटे से ना मिल पाने के दुख में, उससे बात ना कर पाने के दुख में अपनी आंखें नम करती है। यहां से मुझे भिक्षा नहीं, सिर्फ अपनी माँ की ममता चाहिए। बस इसीलिए मैं यहां आता हूं, मेरी माँ को मुझसे मत छीनो। माँ मानते हो ना? अगर मानते हो ना तो दोबारा इस चौकट पर कदम मत रखना। ऐसे क्या देख रहे हो? आरोप तुम पर नहीं, आरोप उस पर है जिसने तुमसे ये सब करवाया है। लेकिन काशीराम पर हमला, मतलब काशीराम की मौत तो हमारे वजह से हुई है। अरे मरा कहाँ वो धीट, जिंदा है, जीता जागता। क्या इतना बेरहमी से मारने के बाद भी वो बच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं काशीराम को भी उन्होंने बचाया? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, काशीराम को उसने ही बचाया है। तो बताओ कैसे जानते हो तुम उसे? ये समझ लीजिए कि हम उनकी वजह से ही यहाँ हैं। अरे वो है ही ऐसे, है ना? अरे
थोड़े ऊंचे स्वर में कहो ताकि सबको सुनाई दे। हाँ, हम उनकी वजह से यहां हैं। तो तुम जिन कारणों से यहां पर हो उसमें उसी का ही हाथ है। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसके ही कारण हो रहा है कि नहीं? तब तो तुम अपना असली मुखिया उसी को मानते होंगे। मुखिया नहीं, गुरु है वो हमारे। उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया है। ये समझ लीजिए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं हम। उनके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। हरिओम। सुन रहे ना थानेदार जी, अपना मुखिया अपने गुरु के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। अब बता भी दो अपने गुरु का नाम। हमारे गुरु का नाम है साई। मेरे यहां तक की योजना तो सफल हुई, मुझे इनके मुंह से साईं का नाम उगलवाना था। बड़ा शिरडी का वैद्य बनने चला था, लेकिन जो संकट उसके जीवन में आने वाला है उसका उपचार कौन करेगा? हरिओम। मां मानते हो ना? अगर मानते हो ना तो दोबारा इस चौकट पर कदम मत रखना। आई, चुप कर तू। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आई समझ में। अगर मेरे यहाँ आने से आप लोगों को दुख होता है, मेरी बायजा माँ को दुख होता है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये बात पहले ही समझ लेते तो दुखों का पहाड़ हम पे ना टूटता। अब जाओ यहां से, जाओ। अगर कुलकर्णी सरकार के किसी आदमी ने तुम्हें हमसे बात करते देख लिया ना तो कोई नई मुसीबत खड़ी करोगे क्या? जाओ अभी यहां से, जाओ। रही है, समझा इसे। अरे इसे कसम निभाना कहते हैं? छुप छुप कर अपने बेटे से खाना भिजवा रही उस फकीर को। अरे मुझसे तो छुपाया ही छुपाया, तुझे भी नहीं बताया। समझा इसे। एक माँ का दर्द दूसरी माँ कैसे नहीं समझेगी? अरे कुछ नहीं बोलेगा इसे, समझाएगा नहीं। अप्पा कुछ तो बोल। अरे समझा उसे, बोल तो सही। अप्पा, अप्पा ऐसे कैसे कर सकता है तू? बोल ना अप्पा। अप्पा मेरी बात का जवाब दे। अप्पा मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात का तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। अप्पा, अप्पा मेरी बात सुन। दरवाजा खोल अप्पा, अप्पा। जब एक बेटा ही अपनी माँ की बात का सम्मान ना कर रहा हो
तो बहू क्या खाक करेगी? मिष्ठान है बाबा के लिए थोड़ा सा। बाबा की बड़ी कृपा रही है हमारे परिवार में। आएंगे बाबा। आगे बाबा आपका धन्यवाद करना भी चाहे तो कैसे करें? हमारे जीवन के सारे बंद रास्ते आपकी कृपा से खुल गए। असंभव संभव हो गया है। ये थोड़ा सा मिष्ठान आपके लिए। ये सब लोगों में बांट दो। काम ले हाथ में साई मोरे पतवा। साई, अब मेरे बेटे जीवा को कोई पागल नहीं कह रहा है। अरे जीवा, जीवा, कुएं से पानी निकालना तो बस शुरुआत है। तुम्हें अभी शिरडी और यहाँ के लोगों के लिए अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। क्या करना है वो मैं समय आने पर बताऊंगा। अब तो जीवा का जीवन सिर्फ आपकी सेवा करना है प्रभु। मेरी खुशकिस्मती होगी आपके कहे पर चलना। अब सवाल मुंह में ही रखोगे या पूछोगे भी? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ कुछ सालों पहले हुआ, फिर आपको आपको कैसे पता? हमारे बारे में आप कैसे जानते हैं ये सब? सब मेरे गुरु की कृपा है। मैं जिनकी अनुमति से यहाँ आया हूँ उन्हीं के हुक्म से यहाँ से वापस जाऊंगा। कौन है वो? मेरे गुरु। कहिए वही बालयोगी तो नहीं जो सालों पहले शिरडी में आए थे? अप्पा, क्या हो गया तुझे? बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ और दूसरी तरफ मुंह घुमा रहा है। ऐसे कैसे कर सकता है तू? माँ हूँ तेरी मैं, कैसे मुंह फेर सकता है तू? हाँ अप्पा रुक, तू नाराज है मुझसे कि मैं बाइसा की शिकायत कर रही हूं? तुझे नहीं डांटना ना उसे, मत डांट, लेकिन मुझसे बात कर अप्पा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी देर तक तूने मुझसे बात नहीं की हो। एक माँ अपने बेटे से बात किए बिना कैसे जिएगी? कुछ पल आपने अपने बेटे से बात नहीं की तो आपकी ममता तड़प उठी। तो वो माँ जिसे इतने दिनों से कसम ने बांधा हुआ है अपने बेटे से ना मिलने के लिए, सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। बार बार उसे अपने ही बेटे के सामने आकर मुंह फेरना पड़ता है, उसे देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है। सोचिए उसकी ममता कितनी तड़पती होगी। ओ, तो जीवन में पहली बार तूने मुझसे बात नहीं की। वजह यह कि मैंने तेरी पत्नी को उस ढोंगी से मिलने के लिए कसम दी थी। उस पाखंडी के लिए और कितनी सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे बोल। आई साई ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है। वो ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है, तो कौन है वो बोल ना अप्पा, जिसके लिए तुम और तेरी पत्नी अंधे हो चुके हो? कौन है वो साई? जान गए कौन है ये साई। मतलब ये सारी डकैतियां तुमने साई के कहने पर की है।
आपसे समझने में कोई भूल हुई है। हमारा मतलब साई हमारे गुरु हैं, लेकिन वो गुरु जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। तू डाकू होकर कुलकर्णी सरकार को झूठा कह रहा है, वो भी थानेदार साहब के सामने। मतलब डाकू अब शरीफों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और हम चुपचाप देखते रह जाएंगे। मारने से क्या होगा थानेदार जी, दंड देना ही है तो इनके गुरु को दीजिए। ठीक है तो चलिए उनके पास। हरिओ अच्छा हुआ गुरु जी स्वयं चले आए यहाँ। हमारे शिष्य तुम्हारा सत्य उजागर कर चुके हैं। तुम कौन हो इस पर अब कोई संदेह नहीं है किसी के मन में? मेरा सत्य जान गए हैं तो मुझसे भी मेरा परिचय करा दीजिए। डकैत है तू, डाकुओं का सरदार, यही सच है तेरा? साई और डकैत? नहीं नहीं थानेदार जी, आपसे कोई भूल हुई है। एक फकीर को डकैत कैसे कह सकते हैं आप? यम थानेदार जी जो भी कुछ कह रहे हैं पूरी जांच पड़ताल के पश्चात कह रहे हैं। मैं जानता हूं सरकार साई कौन है। साई के बारे में सुनना चाहती है ना, तो जो मैं कहूंगा आप उस पर विश्वास करें या ना करें, पर ये वो सच है जिसे मैंने अपने आंखों से देखा है, जिसे मैंने अपने अंतर्मन से उसको एहसास किया है। साई वही बाल योगी है जो सालों पहले शिरडी आए थे, याद है आपको? ये वही बाल योगी है जिसे उस समय आपने पाखंडी कहा था। ये क्या कहानी है सरकार? एक बहुत ही अद्भुत बात है ये, जो शिरडी का हर व्यक्ति जानता है। हरिओम, कहानियां सुनने सुनाने का समय नहीं है, पहले वो सत्य सुन ले जो डाकुओं ने चावड़ी में थानेदार जी के सामने कहा है। आई, अगर मैं और बाईजा साई को इतना मानते हैं तो इसकी बजाय बाईजा ने कई वर्षों पहले उस बाल योगी को अपना बेटा माना था, और साई वही बाल योगी है, और साई कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ हाँ सुन लिया सुन लिया, और नहीं सुनना चाहती। मैंने बाईजा से कसम ली थी इसलिए नहीं कि मेरा अपना बेटा ही मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। मां हूं तेरी, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी और की वजह से तेरा अपमान हो, तुझे दुख पहुंचे। तुम बड़े हो चुके हो ना, अपने फैसले खुद ले सकते हो, तो मैं क्यों बीच में बाधा बनूं? तुम दोनों को आज मैं
इस फंदे से मुक्त करती हूँ, वापिस लेती हूँ अपनी कसम। लेकिन ये जान लो कि वो पाखंडी आज भी मेरी नजरों में पाखंडी ही है। आज नहीं तो कल वो पाखंडी तुम्हें किसी न किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा, देख लेना तुम। राणा, सरजा, दगड़ू, रियोम, कोई है यहाँ पर जो डाकुओं के नाम जानता है? डाकुओं के नाम वही जान सकता है जो डाकुओं को करीब से जानता हो। देखिए कितने अपने पन से पुकार रहा है डाकुओं को, किसने इस पर ध्यान दिया? डाकू सही कह रहे हैं थानेदार जी, ये अवश्य इनका गुरु है। हाँ, हमारे गुरु। आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हे साईं, जैसे आपने कहा हम वैसे ही कर रहे हैं। ये लोग हमें बचा लीजिए, साईं बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। राम, देख रहे हैं ना थानेदार साहब, आत्मविश्वास तो देखिए इन लोगों का। न्याय व्यवस्था को खिलवाड़ समझ रहे हैं ये महाशय। डाकुओं के गुरु डाकुओं को पुलिस से बचाएंगे। बचाएगा तो तब जब खुद बच पाएगा। हाथ बांधो गुरुजी के भी और ले चलो। क्यों पकड़ रहे हैं आप इन्हें? क्या किया है? चुप रहे। एक तो डाकू ऊपर से न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हो। पर सरकार, साई ने किया क्या है? अभी डाकुओं ने इन्हें अपना गुरु कहा। गुरु कहा, सरदार नहीं। दोनों में अंतर है थानेदार जी। अब क्या सोच रही हो आई? अब तो आजी ने कसम भी वापस ले ली है। अब आप साई से बात भी कर सकती है और साई हमारे घर पे भी आ सकते हैं, है ना? आई को समय लगेगा, पर साई की सच्चाई, साई की अच्छाई वो एक दिन स्वीकार कर ही लेगी। सिर्फ आई क्यों, एक दिन साई के सारे विरोधी साई की महानता से परिचित होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? गुरु सही मार्ग दिखाते, सही दिशा में चलने का साहस देते हैं। ऐसे गुरु साईं है हमारे लिए। इन्होंने हमारे शस्त्र त्याग कर सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है, हिम्मत दी है अपराध की दुनिया छोड़कर धर्म की राह को अपनाएं। काश साईं हमें पहले मिले होते, कितने गुनाहों से बच गए होते, कितने निर्दोष लोगों को हमारी वजह से कष्ट नहीं उठाना पड़ा होता। साईं ने कहा डकैती छोड़ दो, उसके बाद हथियार उठाने के विचार ही नहीं आए हमारे मन में। और ऐसे इंसान को प्रणाम करना चाहिए, और आप लोग इन्हें अपराधी कहकर बंदी बना रहे हैं। सुन लिया थानेदार जी, अंदर कुछ और बात कर रहे थे, बाहर कुछ और। अंदर तो कह रहे थे साईं ने कहा इनसे डकैतियां करने के लिए। हमने कब कहा कि साईं ने हमें कहा डकैतियां करने के लिए?
कुलकर्णी सरकार, तो तुम लोगों का कहना है कि साई डकैत नहीं है? हाँ। थानेदार जी, एक बाल योगी बड़ा होकर डांगों का सरदार बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ये वही बाल योगी है तो इतने दिनों से ये बात इसने छुपाई क्यों? सबकी गवाही के अनुसार साई निर्दोष है। पर ये बाल योगी वाली बात साई ने बताई या नहीं, उसे साई के दोषी होने से क्या संबंध है? संबंध है। आप देख नहीं रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि संबंध नहीं है। बाल योगी, बाल योगी, बाल योगी, शिरडी की जनता जानती है इसने कई वर्षों पहले अपने काले जादू से सबको प्रभावित करने का प्रयास किया था। फिर कई सालों बाद लौटा, मुझसे प्रतिशोध लेने लौट आया। मुझे जलाकर भस्म करने की इच्छा से इसने अपने काले जादू से अभिमंत्रित पुष्प दिया मुझे। वो तो मेरे अच्छे कर्म में बच गया। इसकी सारी चालें विफल होने लगी तो इसने डाकुओं की सहायता लेकर शिरडी में संकट उत्पन्न किया। शिरडी पर वर्चस्व प्रस्थापित करने की इसकी मंशा थी। ऐसा तो नहीं था कि ये कोई षड्यंत्र रच रहा था अंग्रेज सरकार के विरुद्ध? ये काला जादू, षड्यंत्र, ये सब क्या है? सब असत्य है। साई ना तो तांत्रिक है और ना ही काला जादू करने वाले और ना ही कोई षड्यंत्रकारी, क्योंकि इसका साक्षी मैं स्वयं हूं। नफरत भुला के फिर से खुदाई शुरू करो जीवा। रंग की जय। इतने सालों से जिस कुएं की मैं खुदाई कर रहा था उस पे पानी लाना किसी के बस की बात नहीं है। असंभव को संभव तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? थानेदार जी, लोगों की भावनाओं में बहने लगे तो सही निर्णय कैसे लेंगे? लोगों की बातों पर नहीं, अपने विवेक पर विश्वास करो। कुलकर्णी जी, मुझे भी अंग्रेज सरकार को जवाब देना होगा कि अगर हमने कार्यवाही की तो किस आधार पर? ये जंगल राज नहीं है, कानून नियम के तहत चलता है और हमें भी उसके अधीन रहकर ही काम करना होता है। सबूत चाहिए होता है और वैसे भी अंग्रेज सरकार ये जादू टोना पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर मैं कहूँगा कि ये तांत्रिक है तो सबसे पहले वो हंसेंगे मुझ पर और उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और आप भी तो हमें कोई ठोस सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि साई अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। बता सकता है युवा जहाँ खुदाई कर रहा था वहाँ नीचे क्या है? पत्थर ही पत्थर है सरकार, और वो भी बहुत बड़े 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 पत्थर। ऐसे पत्थर मनुष्य वर्षों के परिश्रम के पश्चात भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। हाँ, यदि कोई बारूद का प्रयोग करे तो एक झटके में टूट सकते हैं वो बड़े बड़े पत्थर, जल की धारा भी निकल सकती है। संभव है साई ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए बारूद का प्रयोग किया हो, और यदि किया है तो ऐसा व्यक्ति अंग्रेज सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की क्षमता रखता है। थानेदार जी,
साई ने कोई बारूद का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने जो किया मेरी आंखों के सामने किया, चमत्कार ही था वो। सबूत सरकार। सबूत तो अब खंडर में मिलेगा थानेदार जी। हरिओ करनी सरकार, सब जगह तो खुदाई करवा ली पर कुछ नहीं मिला। बड़ा चमत्कारी है ये, इतने सरलता से नहीं मिलने वाला सबूत। लगता है इसने खंडर के पीछे छुपा कर रखा होगा। रुक जाओ, खंडर के पीछे खुदाई करके देखते हैं। चलो। ये ध्वनि कैसी? पता करो क्या है। भला यहाँ पे कोई क्यों गाड़ेगा थानेदार जी? इसमें ऐसा क्या है जो छिपाना चाहता है कोई? सबूत सबूत मांग रहे थे ना थानेदार जी, ये है सबूत। इसमें बंद है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का रहस्य। चमत्कार को देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब बाल योगी ने इसी तरह अपने गुरु के गुप्त समाधि के दर्शन कराए थे। खुदाई में इतना ढूंढा और वक्त बर्बाद किया। खुदाई में ढूंढते तो शायद कुछ मिल भी जाता। शब्दों के हेर फेर से प्रभावित होने वाला नहीं हूं मैं। शब्दों का नहीं, मन के का फेर है। कुलकर्णी सरकार, साई के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हरिओम। इनको ले चलो। आत्मसमर्पण करने के बाद, हिंसा त्याग देने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है साईं? कर्म और उसके फल से कौन मुक्त है राणा?
देवताओं को भी अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है, यही प्रायश्चित का मार्ग है। तुमने जिन लोगों को लूटा, जिन्हें दुख पहुंचाया, उनके आंसू शायद सूख गए होंगे, लेकिन उन आंसुओं की लकीरें अभी बाकी हैं। अगर तुमने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया और उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी सजा को भुगता, तो इस दुनिया का इंसाफ और ईश्वर दोनों पर भरोसा बना रहेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर, और धर्म की राह पर चलने के लिए पहला इम्तिहान है तुम्हारा। मेरी बात तो सुनिए सरकार, मेरे प्राण निकल जाएंगे सरकार। सरकार नहीं, तू मरेगा नहीं, लेकिन तेरी हड्डियां जरूर टूट जाएंगी और मैं तेरा उपचार भी नहीं करूंगा। दादा रुको, उसके बात तो सुन लो। क्या सुनो? इसके कारण सबके सामने मेरा शीश झुक गया। एक दायित्व सौंपा था, उसे भी पूरा कर न सका ये गधा। जा मर। नहीं सरकार, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था सरकार। हाँ, पागलों की तरह भागता हुआ आया था ये, मैंने खुद देखा था इसे। अरे बता ना दादा को। मैं भागता हुआ आया, संदूक खोल के बारूद निकाला, खंडर की तरफ निकला, तभी मेरा पैर फिसला सरकार, और उठते ही मुझे लड्डू दिखे। वो लड्डू देखकर मैं रुक गया सरकार। सुना दादा, कुछ समझ में आया? मतलब वो लड्डू लड्डू नहीं, किसी को बचाने की साजिश थी। बड़ी सफाई से लड्डू खिलाकर साई को बचाया गया है, और तुम होके इस बेचारे की जान लेना चाहते हो। मतलब करनी किसी की और भरनी किसी और की, ये तो न्याय नहीं हुआ दादा। मेरी बात सुनिए, मैंने से कुछ भी नहीं किया। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। दादा, अरे ओ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। तूने ही उस ढोंगी की मदद की है ना? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आज एक बार पुनः पराजित हो गया मैं समस्त गांव के सामने। ये क्रोध की अग्नि बुझ नहीं पाएगी, और अंदर ही अंदर मुझे भस्म करती जा रही है। राम कृष्ण।
अरे पर हुआ क्या? शादी करके एक दिन चले जाना है तुझे, फिर कौन पहनाएगा मुझे ये हर दिन? यमुना, रसोई में जो काम बाकी है पूरा कर ले बेटा, जा। हो आई। जा। शादी करके चले जाना, कोई रिश्ता तय होगा तब ना। क्यों, तुम्हारी मौसी के जान पहचान में है ना कोई, तुमने कहा था ऐसा? यमुना की शादी की उम्र बीतती जा रही, इसीलिए ये रिश्ता तो हाथ से चला गया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन करेगा हमारी यमुना से शादी? एक बेटे की शादी तो कर नहीं पा रहे हम, बाकी दो का क्या होगा? ब्याह के खर्चे के लिए आपको भी कुलकर्णी सरकार के पास उधार मांगने वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे गांव के बाकी सब लोग जाते हैं। साई कृपा से सब अच्छा ही होगा, विश्वास रखो। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही, अगर आप ऐसे ही साई साई नाम का जप करते रहेंगे ना तो कुलकर्णी सरकार ठेंगा देंगे आपको। कैसी बातें कर रही हो तुम? आपके मन में साई के लिए जितना भी प्रेम है ना, उसे अपने मन में ही रहने दीजिए। दुनिया वालों के सामने साई से दूरी बनाए रखना ही उचित है, उनसे मिलना मिलाना बंद कर दीजिए आप। उनका क्या है, आज यहां तो कल कहीं और, ना आगे कोई ना पीछे। आप तीन तीन बेटियों के पिता हैं, समझदारी से काम लीजिए, पर ना जिंदगी भर तीनों बेटियों का बोझ नहीं उठा पाएंगे आप। साईं, आजी ने कसम वापस ले ली है।
साई आपसे बात कर सकती है, मिल सकती है और आपको खुद खाना भी दे सकती है। तुम्हारे सामने आकर भी तुमसे मुंह फेरना, बात ना करना, इस जीवन में इससे बड़ी सजा नहीं काटी है मैंने। बहुत दुख पहुंचाया ना मैंने तुम्हें। तुम झूठ बोल रही हो बाजम्मा। मेरे साथ ना होते हुए भी हर पल तो तुम मेरे साथ थी। तुमने भले ही मुझसे बात ना की हो, लेकिन तुम्हारा मन तो लगातार मेरे बारे में सोचता रहा। तुमने भले ही मुझे मुड़कर ना देखा, लेकिन दिन रात मेरी ही तो फिक्र करती रही तुम। तो अब तुम ही बताओ बायजामा, तुम मुझसे अलग कहाँ थी? क्या एक भी ऐसा पल याद है तुम्हें? मुझसे बात ना कर पाने पर तुम्हें जो घुटन हुई, उसका एहसास है मुझे? मुझसे मुंह मोड़ लेने पर तुम्हें जो तकलीफ हुई, उसे मैं महसूस कर सकता हूं। तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं रह सकती बाजामा। हे पांडुरंगा, ये आए बिना तुमसे नहीं मिलती है तो रोती है, अब मिल गई तो भी रो रही है। क्या हाल बना दिया है थानेदार ने तुम्हारे घर का? सच क्यों नहीं देख पाते हैं ये लोग? सब इंसान हैं बायजामा, सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं। सच को देखना और उसे पहचानने में फर्क होता है। पहचान कर उसे मान लेना, वो सबसे मुश्किल। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि इन सब बातों में वो अपना कीमती समय खो रहे हैं। चलो छोड़ो, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। हाँ, आई ने वो सारे पकवान बनाए जो आपको पसंद है। मुझे मोटा करने का इरादा है बाजामा का। हाँ, यही समझ लो, अब बैठो चलो। परेशान होने से कोई लाभ नहीं, रिश्ता हो जाएगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लड़का आपके बगल में है। अरे कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, अगर आप यहाँ ना आते तो मैं आपके वहां आने ही वाला था आपसे मिलने। हमारे एक परिचित है, यमुना के रिश्ते की बात की है मैंने उनसे। सच? कौन है, कैसा परिवार है? परिवार तो बहुत अच्छा है, और अगर अच्छा ना होता तो मैं उनसे रिश्ते की बात ही क्यों करता। तालुका के नामी व्यापारी हैं। तालुका के नामी व्यापारी हैं वो लोग? दहेज तो काश दहेज जैसी बुरी प्रथा को खत्म करना मेरे हाथ में होता, पर ये प्रथा तो युगों से चलती आ रही है, रोग की तरह फैलते जा रही है। जब तक समाज नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मैं आज ही बुलावा भेजता हूं उन्हें। खंडोबा ने 3-3 बेटियां थी, इतना धन भी दे देता कि तीनों का विवाह अच्छे से कर सकता। खंडोबा जी ने आपको 3 कन्याएं दी है, और कन्या तो सबसे बड़ा धन होता है, और कन्यादान सबके नसीब में नहीं होता। इसे खंडोबा जी का आशीर्वाद समझिए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
रात भर रस्सी से बांध कर रखने के बाद अब अकल ठिकाने आ गई होगी वहीनी की। खुद को बहुत होशियार समझती है ना, अब समझ में आएगा। वहीनी, तुम वहां थी ना? किसने छोड़ा तुम्हें? ये रस्सी किसने खोली तुम्हारी? मेरे स्वामी ने। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ, स्वामी ने मतलब दादा ने इस चुड़ैल को क्यों छोड़ा? दादा कब से चोरों का गुलाम बन गया? अगर ऐसा हुआ है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। ये दोनों मिल गए ना तो मुझे वापस मेरे उस सड़े हुए ससुराल में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। घर नहीं, मैं तुम्हारे घर आई हूं। एक माँ आई है अपने बेटे के घर, उसे अपने हाथों से खाना खिलाने। कुछ नहीं माँ, समा दिखाओ साईं। साईं, उसे गोद से उतारो और जमीन पर सीधा लिटा दो। बेटा बेटा, अगर इलाज नहीं करवाओगे तो ठीक कैसे होगे? कितनी रातों से सोए नहीं हो मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान, पूरे शिरणी में ढूंढा तो लोगों ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे, इसलिए बच्चे को यहाँ ले आया। सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब से हो रहा है तुम्हारे सिर में दर्द, बताओ तो सही, तुम्हारे सिर में कब से दर्द हो रहा है? सिर में नहीं, कान में।
कौन से कान में? ये वाले। अगर मैं तुमसे कहता कि अपना कान आगे करो, तकलीफ के डर से तुम मेरी बात नहीं मानते। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो अपना दोस्त समझ के मुझे माफ कर देना। जैसे जैसे तुम्हारा दर्द कम होगा, मुझसे तुम्हारी नाराजगी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। सच में दर्द बहुत कम हो रहा है। सच ही कहा था सबने, आप इंसान नहीं फरिश्ता है। फरिश्ता तो हर इंसान होता है किसी ना किसी के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को लाए, इतनी दूर मुझे ढूंढते ढूंढते। ये लीजिए, इसका लेप बनाकर कान पर सुबह शाम लगाते रहिए, कान पूरी तरह ठीक हो जाएगा। राम जी भला करें। साईं, आपको मैं ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकता, ये छोटा सा नजराना है। नहीं उस्मान भाई, जब धरती मुझसे इन जड़ी बूटियों के बदले कुछ नहीं मांगती, तो फिर भला मैं कौन होता हूं आपसे कुछ मांगने वाला। अच्छे कर्म करो उस्मान भाई, सबकी मदद करो, बिना किसी चीज की उम्मीद रखे, निस्वार्थ भाव से। कर्म योग की ये कड़ी अगर ऐसे ही एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती गई तो यह दुनिया और भी बेहतरीन हो जाएगी। कल रात क्या हुआ, कैसे मेरी रस्सी खुल गई और मैं उस कमरे से बाहर आ गई। ये तो कोई चमत्कार ही था, और ऐसे चमत्कार तो आप ही करते हैं। आप ही तो हैं इस पूरे जगत के पालनहार, है ना स्वामी? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो, मत ले जाओ सामान। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं, देखो हमारा सामान लेके जा रहे हैं। चलिए ना, कुछ बोलिए ना, क्यों चुप है आप? कुलकर्णी सरकार से कर्ज लिया था, चुका तो दिया ना इतने सालों से, फिर ये सब क्यों? जो चुकाया था वो ब्याज था, असल नहीं भरोगे तो उसका नुकसान क्या सरकार उठाएंगे? ए, चलो जल्दी जल्दी। असल तो हमने भर दिया ना, हिसाब तो समझा दो। हिसाब समझा पंता जी, वो कुछ पूछ रही हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। ए फकीर, बीच में मत बोल, सरकार के काम में कोई दखल दे ये ना कुलकर्णी सरकार को अच्छा लगता है और ना ही मुझे। पंता जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। ये क्या जवाब देंगे, ये लोग तो हमें ठग रहे हैं। बेटी के ब्याह के लिए कर्ज लिया था, बरसों से चुका रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ब्याज था। लाज लिया सारा सामान, चलो चलो सरकार आ देख रहे होंगे। चलो चलो चलो, इनका हिसाब तो दे दीजिए। हिसाब? ये तो है हिसाब बैलगाड़ी पे। चलो चलो अंता जी।
क्यों रुके हो? भारी है सामान, बेल्ट खींचने पा रहे। अंता जी मदद करो। हाँ आप भी चलिए। चलो बंता जी, थोड़ा सामान लौटा दे क्या? हाँ इतना सामान देकर सरकार की तो बातचीत खिल जाएंगी। खींचो खींचो बंता जी। हाँ वो रस्सी ले लो। हाँ तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, चलो निकलो। सरकार सरकार तुम दोनों ये लाने भेजा था तुम्हें? इस मायावी ने बैलगाड़ी पता नहीं कब। और तुम दोनों सोते रह गए? नहीं जगे हुए थे दोनों और पूरी मेहनत से खींचते रहे। गलती बस इतनी की कि एक बार भी पलटकर ये नहीं देखा कि जिसे खींच रहे हैं वो सही है या गलत। ये तंत्र मंत्र वाला कार्य है ना, उसे गांव के अनपढ़ गवार लोग चमत्कार मान के चकित होते होंगे, कुलकर्णी सरकार नहीं। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? नहीं नहीं घृणा घृणा करता हूं मैं तुझ जैसे पाखंडियों से। समझ ही नहीं आते तुझ जैसे लोग। घृणा और समझ में बड़ा ही अजीब रिश्ता है। जब तक घृणा रहती है समझ काम नहीं करती। घृणा के दूर होने के लिए समझ का आना भी बहुत जरूरी है। क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो सब? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? कुछ भी नहीं। तो बार बार मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों? समझता क्यों नहीं मैं तुझ जैसा बैरागी नहीं हूँ? वैध होने के साथ साथ मैं साहूकार हूँ शिरडी का, सूद पर ऋण देता हूँ लोगों को। ब्याज और असल वसूल करना मेरा अधिकार है और ये सब तेरे समझ से परे है। मेरी समझ से परे है ये बात ठीक है,
मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात भी ठीक है। लेकिन जिसने ऋण लिया है उसे तो इस प्रश्न को पूछने का अधिकार होना चाहिए कि उसका हिसाब क्या है। प्रश्न? कुलकर्णी सरकार से प्रश्न करेंगे ये लोग, प्रजा राजा से प्रश्न करेगी, मेरी कृपा पर मेरी दया पर पलने वाले ये लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, मुझसे ऋण ले लेकर अपना घर चलाने वाले ये अनपढ़ लोग। यदि प्रजा अनपढ़ हो तो ये दोष प्रजा का है या राजा का? यदि प्रजा ऋण ले लेकर अपना जीवन चला रही हो तो ऋणी कौन हुआ, प्रजा या राजा? लो अब तू सिखाएगा मुझे मेरा दायित्व? मैं बताता हूं मेरा दायित्व क्या है। मेरा दायित्व है शिरडी को तुझसे मुक्ति दिलाना। बात उड़ रहा है ना, समय आने दे, मैं स्वयं छोड़ने आऊंगा तुम्हें शिरडी से बाहर। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। दरारें आ रही हैं, जितना जल्दी भर लेंगे घर उतना ही मजबूत रहेगा। आप कहें तो मैं मदद कर दूं। सुन, शिरडी मेरा घर है, उसकी सुरक्षा मैं स्वयं कर सकता हूं। हरिओम। शिरडी हम सबका घर है और इसे मजबूत करने के लिए सबको साथ आने की जरूरत है। प्रजा को, आपको, मुझे, हम सबको। बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिलाएगा? मेरी चौकट पे आया है तू, पानी तो तुझे पिलाना पड़ेगा। कोई जल पिलाओ इसे। दादा, देखा कैसे दौड़ के गई है उस पाखंडी को पानी पिलाने के लिए, जैसे वो आपका दुश्मन नहीं कोई लंगोटिया मित्र हो। तो कल रात जो चमत्कार हुआ वो साई, साई ने मेरी तकलीफ दूर की। हाँ,
दिखाओ आपके हाथों पर। रस्सियां किसी के भी हाथों में हो, घाव मुझे ही मिलते हैं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आ गया वो। मैं चलता हूं, अभी से तैयारियां शुरू करूंगा, तब जाकर पैसों का प्रबंध हो पाएगा। थोड़ा समय लगेगा। आप इतने चिंतित क्यों हैं? सब ठीक हो जाएगा। और आपकी बेटी यमुना कितनी सुशील और गुणवान है देखेगा, उसकी शादी किसी अच्छे और बड़े परिवार में ही होगी। सही कह रहे हैं ये। यमुना के लिए लड़का ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए बाईजा कितना खुश है अपने बेटे साई से मिलकर। आने कसम जो वापस लिए। हाँ बाबा, आज तो आई ने अपने सामने बिठाकर साई को खाना खिलाया है। अरे वाह। अच्छा मैं चलता हूँ। अब रुकिए महालसा पति जी, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है, साई के बारे में। साई के बारे में? हाँ काका, बहुत सारे निशान देखे आज साई के हाथों में, नीले काले निशान। क्या हुआ? साई बताता कहाँ है, देखकर तो ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े ने काटा है। अब सोता भी तो खंडर में जमीन पे है, फिर ऐसा ही होगा ना। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर हम साई के सोने के लिए कोई पलंग का इंतजाम कर दे तो। बिल्कुल, तो फिर आज ही चलते हैं खंडर, पलंग कहाँ और कैसे लगाना है ये भी देख लेंगे। मेरे एक मित्र है नाना साहब, वो लकड़ियों का बंदोबस्त कर देंगे। वैसे उनकी भी बड़ी इच्छा है कि वो एक बार साई से मिले, फिर मैं नाना साहब को संदेशा भी भिजवा दूंगा। क्यों मालसापति जी? आपके मन में साई के लिए जितना भी प्रेम है उसे अपने मन में ही रहने दीजिए। दुनिया वालों के सामने साई से दूरी बनाए रखना ही उचित है। क्या हुआ मालसापति जी? अगर आप कहीं व्यस्त है तो मैं हो आता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं भी व्यस्त नहीं हूं, मैं चलूंगा ना आपके साथ। चल तात्या, अब तू भी खा ले। चल सरकार। निकालो सबका हिसाब निकालो, जिस जिसका एक आना भी शेष है आज सबका हिसाब कर देंगे। बता देते हैं असल और ब्याज में अंतर। सरकार कराए घनश्याम से वसूली। नहीं हुआ सरकार। नहीं हुआ का क्या अर्थ है? सरकार घनश्याम ने कहा कि उसने असल और ब्याज दोनों चुका दिया, अब उसका कुछ भी बाकी नहीं। उसका कुछ भी बाकी नहीं, ये उससे किसने कहा? वो बुढ़िया जिसका सामान लेने गए थे अंताजी पंताजी,
वो समझाती फिरती है सबको कि अपना हिसाब अपने पास रखो। साई के बताए रास्ते पर चलने के लिए भड़का रही सबको, पढ़ाई करो, जाहिल मत रहो। कहती है सब पढ़े लिखे होंगे तो कोई साहूकार उनके साथ बेईमानी नहीं कर पाएगा। हरिओम। सरकार को बेईमान कहा? देख रहे हो दादा, पहले गांव वालों को भरगलाना, फिर अपने आप को वैद्य कहना, ये सब कम था कि अब तुम्हारी साहूकारी पर भी प्रश्न उठा रहा है वो बैरागी? वो है कि तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और तुम होके कुछ कर ही नहीं रहे। दादा थूक चाटे प्यास नहीं मिट्टी। दादा तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा दादा। आप खोलो पंताजी। बाबा रियो पढ़ना जानता है? हाँ सरकार। पढ़ और सुना सबको, कितना बचा है तेरा? 5 रुपये सरकार। अरे ठीक से पढ़। देखो 7 है और इसने कितना पढ़ा? 5। 7 को 5 पढ़ता है? क्या कहा था मैंने, मेरी सत्यता और निष्ठा पर यदि कोई प्रश्न उठाता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेवा करते करते तुम अपने आप को भी भूल चुके हो और वहां घर पर तुम्हारी माँ क्या कहा भाई जमाने, क्या कहेगी तुम्हारी माँ? तुम्हारी तकलीफ देखकर उसे भी बहुत तकलीफ होती है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके लिए पलंग बनना है। मुझे पलंग की क्या जरूरत है? आप हमारे इस कर्म को स्वीकार करें वरना जो आपकी माँ है वो हमें बहुत डांटेगी। आप और बायसा माँ कुछ दें और मैं स्वीकार ना करूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पलंग नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे लकड़ियां दे दीजिए, बाकी मैं खुद बना लूंगा। लेकिन
ऐसे कैसे? विश्वास कीजिए, मैं बना लूंगा। अप्पा, पलंग साईं के लिए बनना है, उन्हें जैसा चाहिए वो बना लेंगे, तो उन्हें लकड़ी दे देते हैं और हम भी चलते हैं। वैसे भी बहुत काम है आज। अच्छा, अनुमति दीजिए। कर्म योग सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, सबसे बड़ा कर्म तो अपने परिवार के लिए होता है। मालसापति जी, आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा। अब यहाँ तक आ ही गए तो अंदर भी चलते हैं ना, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम नहीं समझोगी भामा, हम बिना बताए यहाँ आ गए। ये बात सरकार, आप देख लीजिएगा, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। अरे वाह, लगता है आज कुछ बढ़िया सा बनाया है तुमने। मैं आप ही के पास आ रही थी, जरा चेक के बताइए ना कैसा बना है। कोई नहीं साहब। माधव, तुम कब आए? आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? ये मेरी पत्नी भामा, मुझे समाचार मिला था माधव ने शादी कर ली। खंडोबा जी की लीला देखो, जैसे वो जानते थे आज घर में नई बहू आने वाली है। वरना मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों हुई कि मैं कुछ मीठा बनाऊं? इसे ही कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लो लो, मुंह मीठा करो, आओ बैठो। चिंता माधव। माधव प्रणाम। ताई। ताई साहेब। ताई साहेब, ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। माधव, कुछ खास बात? वही नहीं साहेब, रोजगार। अपने गांव में तो भविष्य क्या, वर्तमान भी नहीं। इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली पर नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं तो इसलिए सोचा कुलकर्णी सरकार अगर कुछ काम वाम दिला दे तो। क्यों नहीं, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये घबरा रहे थे, हम बिना सूचित किए जो आए, कहीं कुलकर्णी सरकार नाराज ना हो। नहीं नहीं, इसमें नाराज वाली क्या बात है, इंसान तो अपनों के पास ही जाता है ना जब वो मुश्किल समय में होता है। अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठो बैठो और ये पूरा खत्म करो, मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ। हाँ आ गए आप। हाँ, कब से आपकी राह देख रही थी। ये लो। ये सब क्या है? ये मिठाई है और ये लड़के के लिए धोती है। अभी तो रिश्ता हुआ भी नहीं और आप ये सब ले आए। रिश्ता हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, आज रिश्ता जरूर हो जाएगा। ऐसा किसने कहा आपसे? साई ने।
बता दे माई। जा रहे हैं दूसरे गांव से ही तो भाग रहे हो शिरडी से? भागे नहीं तो क्या करें, कर्ज लिया था बहुत बड़ा, उसका ब्याज हम पे इतना बढ़ गया है, कभी सोचा ही नहीं था। तो हिसाब का ध्यान क्यों नहीं रखा? हिसाब करना आता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। गरीब का कोई नहीं है, भगवान की बहुत सेवा की है, इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की है, फिर भी भगवान ने हमको आज ये दिन दिखलाया। और आज उसी भगवान को सीने से लगाए दूसरे गांव जा रही है। हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, और क्या करें हम? सीधी सी बात है, हिसाब करना सीखो। इस उम्र में सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा। जो तुम्हारी कमी है उसे तुम्हें खुद ही पूरा करना होगा, ये सोच लेने से कि केवल भगवान की पूजा करने से वो तुम्हारी कमियों को पूरा कर देगा, तुम्हारी गलतियों को ठीक कर देगा, ये विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है। भगवान तुम्हें शक्ति दे सकता है, समझ दे सकता है, मौका दे सकता है खुद को बदलने का, लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी होगी। तुम्हारा कर्म होगा तो उसका भी कर्म होगा। 5 × 2 = 10, 10 × 4 बाकी के ये 6 = 20। ये लीजिए बहिनी साहब, आपका हिसाब मैंने पूरा कर दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो हिसाब किताब में, आखिर इनके रिश्तेदार जो हो, और तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान को तो काम जरूर मिल जाएगा। आने दो सरकार को, उन्हें तुमसे मिलकर ना बहुत खुशी होगी। अरे ओम। अरे ओम। सरकार, मेरी पत्नी भामा। ना ये तुम्हारा ससुराल है और ना ही तुम्हारा मायका, कि मूठाए चले आए। ओ, माधव बहुत पढ़ा लिखा है और हिसाब किताब भी जानता है। अरे ओम, ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, मुझे सूचना देकर आना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए, हम लौट जाएंगे आज ही। आज नहीं, अभी। अहो, पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी, आज रात अगर ये लोग यहीं बिताए तो। अरे ओम, अप्पा पाटिल जी से आपके परिवार का वर्णन सुनते ही लगा कि हाँ, ऐसी संस्कारों वाली कन्या हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो हमारी तो 7 पुश्तों का कल्याण हो जाए। व्यापारी हूँ, बहुत कुछ मिला है मुझे राम जी की दया से, यमुना को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी।
अब मैं क्या कहूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे परिवार की कल्पना अपनी यमुना के लिए मैंने की थी, बिल्कुल वैसा ही है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बेटी विदा की है। और यमुना को भी लगेगा कि वो एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गई है। बस चार जोड़ी कपड़े और 100 तोला सोना लेकर। सोना ये तो बस बच्चों की खुशी के लिए, अपने लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है श्री राम जी की दया से। पर 100 तोला सोना तो हम ऐसे लोगों में से नहीं है कि पहले लड़की ले आए अपने घर और फिर मांगा। जो भी बात है पहले साफ साफ कह देना अच्छा होता है। और आपके लिए 100 तोला सोना देना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होनी चाहिए। आप सोनार जो ठहरे, आप हमें कल तक बता दीजिए कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि और भी कई सारे रिश्ते आए हैं, हमने उनको रोक के रखा है कि पहले आपसे मिल लेते हैं। कल तक क्यों? अब इसमें सोच विचार के लिए कुछ बचा ही क्या है? क्या मुंह मीठा कीजिए। इसका मतलब रिश्ता पक्का? हम लोग अच्छी सी तिथि निकाल कर आप लोगों को खबर करते हैं। अच्छा मालसापति जी, हम लोग चलते हैं। अच्छा अप्पा जी, मिलते हैं। से भरा है, चुनौतियों से हारते हैं या उन्हें पार करते हैं। यही खेल है जीवन का।